हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एट वाइज में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी डिस्क को कैसे आईएसओ इमेज या एनआरजी इमेज बना सकते हैं। डिस्क ये प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत हमें सबसे पहले तो पड़ती है बैकअप। हमें चाहे वो हमारा सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हमारा डेटा हो, या फोटो, मोबाइल, मूवीज, गेम्स या किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमें उसका बैकअप चाहिए। बैकअप इसलिए चाहिए इन केस अगर वो डिस्क में है, वो डिस्क टूट सकता है, स्क्रैच लग के वो डिस्क ख़राब हो सकते हैं, और भी आपको एक दो ऑप्शन है, या फिर हम गलती से हमें वो कहीं छूट सकता है, गुम जा सकता है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हम लोग ना किसी भी सॉफ्टवेयर और या किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ का बैकअप बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आईएसओ इमेज बनाया जाता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो आप बाकी और किसी भी डेटा को आप नॉर्मली कॉपी करके रख सकते हो, वो रहेगा, वो रन भी करेगा। लेकिन अगर आप अपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज एक्सपी हो, 98 हो, 7, विस्टा 8, 10 या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, लिनक्स, तो वो सारे का आप अगर रख सकते हैं तो यही एक मेथड है। या तो आप डिस्क में रखें, या फिर आप यूएसबी बूटेबल बना के रखें, नहीं तो फिर आपको आईएसओ इमेज, अगर आप यूएसबी बूटेबल पर भी बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको आईएसओ इमेज ही मांगता है। भी बहुत सारे वर्चुअल सॉफ्टवेयर, जैसे आपको वर्चुअल पीसी, वीएमवेयर, फिर वर्चुअल बॉक्स, आपका सन ओरेकल का, वो सारे आईएसओ इमेज ही सपोर्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बनाने जाएंगे। तो इसे बनाने से पहले आपको कोई भी आईएसओ क्रिएटर, आपको सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इमेज बर्न वाला वीडियो भी लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, और वहाँ से वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर आप आईएसओ इमेज बना सकते हैं। चलिए, हम अभी विंडोज एक्सपी का आईएसओ इमेज बनाऊंगा। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको भी दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, मेरे कंप्यूटर में भी किसी तरह का डिस्क अभी नहीं पड़ा हो, मैं यहाँ पर डिस्क डालूंगा, और ये हमारा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे डेस्कटॉप पे है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, और हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अभी हम अपने कंप्यूटर में जा करके अपने सीडी ड्राइव को इजेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे डालूँगा आपको विंडोज एक्सपी का डिस्क। ये मैंने डिस्क को इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, क्रिएट इमेज फ्रॉम डिस्क। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मेरा ऑप्शन तब तक हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिख रहा है डिवाइस इज नॉट रेडी, ये रीड कर रहा है, ये रेडी का ऑप्शन दिया गया यहाँ पे स्टेटस बार पे। अभी हम यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं ये मेरा डी ड्राइव में सेव होगा, मैं इसे अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव करना चाहूँगा, और मैं यहाँ इसे नाम देता हूँ विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 3। तो मैं यहाँ इस नाम से सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, मेरा आईएसओ इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, मेरा यहाँ पे प्रोग्रेस वाला स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको ज़रूरत है लगे कि मुझे इस सब ऑप्शन को यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ये है कि जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये ट्रे इजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि ये प्रोग्राम क्लोज वाला है। तीसरा है कि आप तीनों भी कर सकते हैं, पहले आपका ट्रे इजेक्ट हो जाए, प्रोग्राम क्लोज हो जाए, और फिर कंप्यूटर भी शट डाउन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भी कोई भी ऑप्शन को नहीं चेकआउट करूँगा, क्योंकि हो सके मुझे आपको और कुछ एक्सप्लेन करना हो। तो प्रोग्राम वगैरह अगर बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जब तक हमारा इमेज बन रहा है, तब तक मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए हमारा यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुका है। ये बटन है दोस्तों स्टॉप का, यहाँ से आप इसे एबॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमें मैसेज मिल चुका है कि ऑपरेशन इज कंप्लीट सक्सेसफुली। मैं यहाँ इसे ओके कर दे रहा हूँ, और इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि हमारे डाउनलोड में देखिए फाइल बन चुका है,
मैं इससे फाइल को चेक करके ही बता दिखा दे रहा हूँ। इसे चेक करने के लिए आप अपने वर्चुअल पीसी को ओपन कर लें। अगर आपके पास वर्चुअल पीसी का सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर आपको ये भी नहीं पता कि कैसे इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें, तो अभी मेरे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे स्टार्ट कर दें और यहाँ इसे सीडी वाले ऑप्शन में जाए, कैप्चर आईएसओ, आपके यहाँ डाउनलोड में जाए। डाउनलोड में देखिए आपका विंडोज एक्सपी सर्विस दिखा रहा है, इसे आप ओपन कर लें। और ये देखिए हमारा एक बार कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट कर लें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा विंडोज एक्सपी का इमेज जो बना है वो सक्सेसफुली बन चुका है। इसे चेक करने के लिए आपको कंप्यूटर से भी आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन को भी दबा लें और उसके बाद में बनने वाले उस घंटी को भी, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी नई नई जानकारियों का सूचना नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। धन्यवाद।